वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक स्पेशल प्रोसेस के बारे में बताया था जो हाई लाइट इंटेंसिटी पे होता है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। और हमने बात की थी कि ये टोटली एक वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन प्लांट इसको तभी करता है जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज हाई लाइट इंटेंसिटी पे ज्यादा तेज से लाइट रिएक्शन होता है, उसका रेट ज्यादा होता है, और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन, वो भी बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और वो कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन कराने लगता है और इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि जो प्लांट्स टेम्परेट एरियाज में रहते हैं, यानी जहां पर सीजनल वेरिएशन होते हैं, वो अपने इस लॉस को मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर उनको ये फेस नहीं करना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ही लिए हाई लाइट इंटेंसिटी होगी और उसी टाइम पे ये लॉस होगा, तो पूरे साल में जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया उससे उसको मैनेज कर लेते हैं। बट वो प्लांट्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, वहां थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, इक्वेटर के पास वाली जगह हमेशा हाई लाइट इंटेंसिटी रहती है। अब ऐसे में अगर प्लांट हमेशा लॉस करता रहेगा और कोई CO2 फिक्स नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा। तो फिर उन कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए प्लांट एडाप्टेशन करता है, और वो एडाप्टेशन क्या करता है, वो बहुत समझदार है। उसे मालूम है कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन डार्क रिएक्शन के एंजाइम यानी रूबिस्को को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना दोनों चीजें अलग अलग जगह कराई जाए, ना दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और ना दोनों एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो अभी तक सारा काम मीजोफिल सेल्स में होता था, थायलाकोइड्स में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, पर अब क्या हुआ, इसने दो तरह के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बनाए। मीजोफिल में तो बनते ही हैं, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो शीथ होती है, बंडल शीथ सेल्स, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट बना दिया। प्लस इन बंडल शीथ सेल्स को कंसेंट्रिकली रेथ लाइक मैनर में, क्राउन लाइक मैनर में अरेंज किया और इसको स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज क्रांस एनाटॉमी। अब दो जगह ये जो क्लोरोप्लास्ट बने हैं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मेसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ग्रैनल थायलोकॉइड होता है, यानी कि थायलोकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्राना बना लेता है, और ग्राना में PS1 PS2 दोनों होते हैं। लेकिन बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सिंगल सिंगल थायलोकॉइड प्रेजेंट होता है, एक ग्रैनल, यानी उसके दोनों तरफ स्ट्रोमा होता है, और ऐसे जगहों पर PS2 एब्सेंट होता है, जस्ट लाइक स्ट्रोमा लैमेली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो PS2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी तो रूबिस्को को टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए उसने क्या किया, रूबिस्को को कहां रखा, बंडल शीथ सेल में, और लाइट रिएक्शन प्योरली कहां कराया, मेसोफिल सेल्स में। अब दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और फोटो रेस्पिरेशन से होने वाला लॉस नहीं होगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई, जब तक रूबिस्को मेसोफिल सेल में था उसे एपिडर्मिस से बहुत इजीली स्टोमाटा के थ्रू CO2 मिल जा रहा था और वो RUBP में उसे ऐड कर देता था। लेकिन अब जब वो अंदर चला गया, बंडल शीथ सेल्स तो एकदम अंदर होते हैं ना, वैस्कुलर बंडल, तो वहां उसको CO2 नहीं मिल रही। तो प्लांट्स ने कहा, भाई सारे नखरे तुम्हारे हैं, तुम जहां हो वहीं रहो, CO2 हम पहुंचा देंगे। तो ये जो CO2 पहुंचाने का तरीका है, यही है C4 साइकिल। ये C4 साइकिल से सिर्फ उसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक CO2 को ट्रैप करके रूबिस्को तक पहुंचाता है, बाकी कार्बन फिक्सेशन का काम तो रूबिस्को ही करेगा, लेकिन ये पहुंचाने वाला काम C4 साइकिल से होगा। इसका मतलब C4 साइकिल C3 साइकिल को कोऑपरेट करती है, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये पता कैसे चला कि ऐसा कुछ होता है। एक साइंटिस्ट थे कॉर्शाक, उन्होंने नोटिस किया कि एक प्लांट है जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया, शुगर केन। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि शुगर तो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और इसके पास ज्यादा शुगर है, इसका मतलब इसकी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है कि इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत हाई है? तो उन्होंने वही मेल्विन केल्विन का फॉर्मूला यूज किया। उन्होंने कार्बन को रेडियो एक्टिव कर दिया C14, और शुगर केन पर स्टडी किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो C3 साइकिल तो हो रही है, प्लस एक
एडिशनल साइकिल हो रही है जिसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 4-कार्बन एसिड है, तब डिस्कवरी हुई C4 साइकिल की। अच्छा, बहुत दिनों तक हम ये मानते थे कि ये काम सिर्फ शुगर केन में होता है, लेकिन लेटर दो साइंटिस्ट आए, हैच एंड स्लैक। उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ शुगर केन में नहीं होता, शुगर केन की नो डाउट एफिशिएंसी ज्यादा है, बट ये फिनोमेना हर ट्रॉपिकल प्लांट करता है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, और तब से इसको हम HSK पाथवे या हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये पाथवे क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। अब हम इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हाईलाइट करेंगे जो हमारी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, वी आर स्टार्टिंग विद C4 पाथवे, इसको कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आई टोल्ड यू बिकॉज इट कोऑपरेट्स विद C3 साइकिल। इट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉर्शाक इन शुगर केन। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन योर NCERT, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आप ध्यान रखोगे, इट वॉज स्टडीड बाई हैच एंड स्लैक इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, इसीलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे या हैच स्लैक कॉर्शाक पाथवे, HSK पाथवे भी कहते हैं। ये जिन प्लांट्स में होता है, सच प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स। वो डायकॉट्स भी हो सकते हैं, मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं, बस ट्रॉपिकल कंडीशन में होने चाहिए और उनको फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करना हो तो वो ये पाथवे करते हैं। डायकॉट्स हो सकते हैं जैसे एमरांथस, यूफोर्बिया एक्सेट्रा, और मोनोकॉट्स हो सकते हैं लाइक मेज, सॉर्गम, इल्यूशन एक्सेट्रा। ये एडाप्टेशन शो करते हैं टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्यों करते हैं वो ऐसा काम, ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले नुकसान को अवॉइड कर सकें। और वो क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं, सबसे पहला क्रांस एनाटॉमी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रांस एनाटॉमी करते हैं, क्रांस एनाटॉमी इज रेथ लाइक कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? बंडल शीट सेल्स। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, यानी दो तरह के क्लोरोप्लास्ट इन दो तरह के सेल्स। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म इन ये दो टाइप के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ग्रैनल हैं, और ग्रैनल होने की वजह से यहाँ PS2 प्रेजेंट है। PS2 प्रेजेंट है मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, और ऑक्सीजन किसको दिक्कत पहुंचाती है? रुबिस्को को। इसका मतलब यहाँ रुबिस्को नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। रुबिस्को नहीं है, इसका मतलब यहाँ डार्क रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट टू प्रिवेंट रुबिस्को फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो फोटो रेस्पिरेशन करता है। दूसरे हमारे बंडल शीट सेल्स, इनका कैसा है? ए ग्रैनल, यहाँ PS2 एबसेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। PO2 एबसेंट, तो इसका मतलब O2 इवॉल्व नहीं होगी। O2 इवॉल्व नहीं होगी तो हम रुबिस्को को यहाँ रख सकते हैं, रुबिस्को यहाँ प्रेजेंट होगा। अब हमें ये देखना है कि अंदर से तो ऑक्सीजन नहीं बन रही थी, बाहर से भी ऑक्सीजन अंदर ना आए, तो ये थिक वॉल सेल्स होते हैं, इम्परमिएबल टू O2। ये सारा इंतजाम किया जा रहा है ताकि रुबिस्को को दिक्कत ना हो, और इसके लिए इसी वजह से ये क्या हो जाता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो मेसोफिल सेल्स में हम करेंगे लाइट रिएक्शन, और बंडल शीट सेल में होगा हमारा डार्क रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास एक एडिशनल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होना चाहिए, जो कि एक्सेप्ट करे CO2 को बाहर से, क्योंकि रुबिस्को तो बंडल शीट सेल में पड़ा हुआ है, और उसके आगे का काम करे। ठीक है, तो हम अब आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या काम होता है यहाँ पर, कैसे कैसे होता है। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से C4 पाथवे होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नोटिस करो कि दो तरह के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल, दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने आपको बताया था ग्रैनल है। सो दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, इसलिए रुबिस्को हमें कहाँ मिलेगा? बंडल शीट सेल में। अब रुबिस्को को CO2 पहुंचाना है, तो यहाँ पर एक एडिशनल CO2 एक्सेप्टर आ जाएगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अभी तक हमने C3 साइकिल में क्या पढ़ा था, दैट इज RUBP, द 5-कार्बन कीटो कंपाउंड, बट यहाँ पर एक एडिशनल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आ जाएगा, एंड दैट इज 3-कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, दैट इज 3-कार्बन कंपाउंड, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट।
तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करेगा एंड एंजाइम अब चाहिए पेप्टेज एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज पेप्टेज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। अब इसके नाम में आप देखिए ये केवल कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज नहीं है, यानी बड़ा सीधा साधा सा एंजाइम है। कम CO2 दो, लो टेम्परेचर दो, लाइट की एब्सेंस हो, हाई ऑक्सीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चुपचाप सिर्फ CO2 एक्सेप्ट करता है। तो रात में भी CO2 एक्सेप्ट कर लेगा, लो टेम्परेचर में भी CO2 एक्सेप्ट कर लेगा, लो CO2 कंसेंट्रेशन में भी CO2 एक्सेप्ट कर लेगा, हाई O2 कंसेंट्रेशन में भी CO2 एक्सेप्ट कर लेगा। कोई नखरे नहीं है इसके, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है CO2 को PEP में ऐड करना। PEP कितने कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन। CO2 ऐड हुआ, कितना हो गया, 4 कार्बन। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक 4 कार्बन की एसिड बनेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है C4 साइकिल। तो अब यहाँ पे देखिए हमने CO2 को PEP में ऐड किया विद द हेल्प ऑफ पेप्टेज और ये कन्वर्ट हो गया इनटू 4 कार्बन एसिड एंड दैट 4 कार्बन एसिड इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड विच इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। नाउ सिंस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C4 साइकिल। नाउ ये C4 साइकिल के थ्रू हमने CO2 को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन CO2 का रियल यूज कौन कर सकता है, रूबिस्को। तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल शीट सेल। ट्रांसपोर्ट होगा वाया द चैनल्स नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। आप जानते हैं द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैलिक एसिड को हमने कहां भेज दिया, टू बंडल शीट सेल, C4 एसिड आ गई। लेकिन ये रूबिस्को C4 एसिड को नहीं पहचानता, वो किसे पहचानता है, CO2 को। तो हमें C4 एसिड से CO2 निकालना पड़ेगा। सो रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ इसका हुआ कार्बोक्सिलेशन, यहाँ क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। C4 एसिड में से हमने एक CO2 निकाल लिया, क्या बचा, C3 एसिड। अब ये CO2 ऐड किया जाएगा RuBP में वाया रूबिस्को, अगेन कार्बोक्सिलेशन। तो कितने बार कार्बोक्सिलेशन हुआ, 1 एंड 2, और एक बार डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए कहा जाता है इट इज अ साइकिल ऑफ डबल डीकार्बोक्सिलेशन एंड सिंगल, इट इज अ साइकिल ऑफ डबल कार्बोक्सिलेशन एंड सिंगल डीकार्बोक्सिलेशन। अब रूबिस्को की मदद से RuBP में ऐड होगा और ये C3 साइकिल चलने लगेगी, फिक्सेशन होगा। और आप जानते हैं एक C3 साइकिल में कितनी एनर्जी लगेगी, 3 ATP एंड 2 NADPH2। नाउ जो ये C3 एसिड है इसको वापस हम प्लाज्मोडेस्माटा से भेज देंगे मेसोफिल सेल में और वहां ये PEP को रीजनरेट करेगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल और वहां हमें एनर्जी लगेगी, 1 ATP AMP में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम 2 ATP के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से C4 साइकिल केवल CO2 को बाहर से रूबिस्को तक पहुंचाने का काम है, मेन काम तो अभी भी C3 साइकिल ही कर रही है। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन पेप्टेज इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। कहाँ प्रेजेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि रूबिस्को स्ट्रोमा में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पेप्टेज कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। इट इज अ साइकिल ऑफ डबल कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 फिक्सेशन बट सिंगल डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक बार CO2 यहाँ ऐड हो रहा है, एक बार CO2 यहाँ ऐड हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेशन 2 बार लेकिन रिमूवल 1 बार। C4 प्लांट्स आर सेलाइन टॉलरेंट, क्या मतलब होता है इस बात का कि सॉल्टी सॉइल में, ऐसी सॉइल जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो वहां भी ये प्लांट ग्रो कर पाते हैं आराम से। क्यों, जब सॉइल में सॉल्ट ज्यादा होगा तो मतलब प्लांट की बॉडी में कम, इसका मतलब कि पानी प्लांट की बॉडी से बाहर जाने लगेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी और उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए प्लांट्स सेलाइन सॉइल में सरवाइव नहीं कर पाते। पर C4 प्लांट्स में बहुत सारा सॉल्यूट होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ये सब उसके अंदर का सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है जिसकी वजह से पानी अंदर से बाहर नहीं जाता और वो सॉल्टी सॉइल में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाता है। तो इसकी ये फीचर्स हैं, पहला फीचर, पहला इंपॉर्टेंट फीचर दैट दे आर सेलाइन टॉलरेंट। दूसरी चीज, दे रिक्वायर हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर टू फिक्स सेम अमाउंट ऑफ CO2 एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में C4 पॉइंट प्लांट्स को हम ट्वाइस एफिशिएंट मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर यूटिलाइजेशन। मतलब कि जितना पानी C3 प्लांट्स को लगता है एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, उसका ठीक आधा लगता है C4 प्लांट्स को।
कैसे, ये जो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है सेल्स का, वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कंट्रोल कर लेता है और उनका लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज हो जाता है, इसीलिए वो वाटर यूटिलाइजेशन के लिए ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट इज दैट C4 प्लांट्स आर कोल्ड सेंसिटिव। अब आप कहोगे अभी तो मैंने कहा था कि पेपकेस को टेम्परेचर से फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है, पेपकेस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पेप बनाने वाला पेप पीपी नहीं होगा तो पेपकेस काम किस पे करेगा। पीपी को बनाने वाला जो एंजाइम होता है, दैट इज पीपी सिंथेटेस, वो लो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, वो कोल्ड में काम नहीं करता। इसी वजह से C4 प्लांट्स कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, यानी बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में C4 प्लांट्स नहीं पाए जाते। तो C4 प्लांट्स आर कोल्ड सेंसिटिव बिकॉज पीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम, दैट इज पीपी सिंथेटेस, इज टेम्परेचर सेंसिटिव। तो ये सारे फीचर्स हो गए कि पहली बात C4 प्लांट, C4 पाथवे इसीलिए इवॉल्व हुआ ताकि ट्रॉपिकल प्लांट्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को अवॉइड कर सकें। इनमें अडेप्टेशन हुए क्रांस एनाटॉमी, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म एंड एन एक्स्ट्रा एडिशनल CO2 एक्सेप्टर, दैट इज पीपी एंड द एंजाइम पेपकेस। इसके बाद ये C4 पाथवे C3 के साथ मिलके काम करने लगा, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस एंड द प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स। एग्जांपल्स आप लिख चुके हैं। ये प्लांट्स सेलाइन टॉलरेंट होते हैं, वाटर एफिशिएंट होते हैं एंड कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि C4 पाथवे इज मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेटिक साइकिल एट हाई लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी में तो नो डाउट C3 पाथवे ही बेस्ट है क्योंकि एनर्जी कम लगती है। C4 पाथवे में ऑल्दो एनर्जी ज्यादा लगती है लेकिन वो लॉस को मिनिमाइज कर देता है, इसीलिए बेस्ट साइकिल एट हाई लाइट इंटेंसिटी C4 पाथवे को माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग C4 पाथवे। इस पूरी साइकिल में C4 पाथवे की हम बात करते हैं तो ये पूरी बात आती है। C4 साइकिल तो सिर्फ इतनी है लेकिन पाथवे पूरा है, तो पूरे पाथवे में कितनी एनर्जी लगती है पर CO2 मॉलिक्यूल, कितना डिफरेंस है C3 से और कितनी एफिशिएंसी है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग C4 पाथवे। सो ये देखिए, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग C4 पाथवे। पूरे C4 पाथवे में एक कार्बन अगर फिक्स करना हो, एक CO2 अगर एक्सटर्नल फिक्स करनी हो तो कितनी एनर्जी लगेगी। C3 साइकिल तो होनी है, एज आई टोल्ड यू इट इज अ यूनिवर्सल साइकिल, इसके बिना तो काम नहीं चलना। तो ये एनर्जी C3 की और दो ATP रीजनरेशन स्टेप में। अब आप कहोगे मैम हमने तो साइकिल में एक ATP बनाया है, लेकिन आप ध्यान दो कि ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। नेचुरली नॉर्मली ATP ADP में कन्वर्ट होता है, डाइफॉस्फेट में। तो यहाँ पर दो फॉस्फेट ग्रुप निकल गए हैं तो उसकी एनर्जी हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं टू 2 ATP, इसीलिए यहाँ 2 ATP ऐड किया गया है। तो टोटल ATP पर CO2 पर कार्बन कितनी लगती है, 5 ATP। और हम मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि C4 पाथवे इज द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल एट हाई लाइट इंटेंसिटी। फोटोसिंथेसिस की सबसे एफिशिएंट साइकिल हाई लाइट इंटेंसिटी पर C4 पाथवे होती है। अब हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो एक कार्बन के लिए इतनी एनर्जी, तो 6 कार्बन के लिए टोटल इंटू 6, दैट इज 30 ATP एंड 12 NADPH2 फॉर 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। तो यानी कि अगर हम पर कार्बन डिफरेंस देखें तो C3 साइकिल में 3 लेकिन C4 में टोटल 5, तो डिफरेंस कितना आया, 2 ATP का। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ATP पर कार्बन फिक्स्ड बाय C4 पाथवे एज कंपेयर टू C3 पाथवे। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जैसे 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल को हमने मेज में फिक्स किया और 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल को हमने हीट में फिक्स किया, क्या एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 2 सुक्रोज, 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे उसको इंटू 2 करो, और पर कार्बन 2 का डिफरेंस आ रहा है, जितने कार्बन तुम्हारे आए उतना मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी योर आंसर। तो हमको पूरा मैकेनिज्म लिखने की, कैलकुलेट करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 1 ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक, तो मैंने कहा कि 1 ग्लूकोज मेज में और 1 ग्लूकोज व्हीट में। व्हीट C3 साइकिल है, कितना ATP लगेगा, और मेज जो है वो C4 प्लांट है, तो उसमें कितना लगेगा, कितना डिफरेंस आएगा।
तो एक कार्बन में दो डिफरेंस, तो 6 कार्बन में 12 एटीपी का डिफरेंस आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर्स को बहुत इजीली और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक साइकिल की, जो हमें डेजर्ट प्लांट्स में मिलते हैं, जहां स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है, दैट इज कैम पाथवे। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।